Yes. Hello friends, this is Dipali Rana and welcome back to Virtual Voice. आज की वीडियो में हम इंग्लिश वोकैब के कुछ सिनोनिम और एंटोनिम्स देखेंगे विद उनके मीनिंग के साथ में. ये पार्ट फोर्थ रहेगा. इससे पहले जो पार्ट्स हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो मेक श्योर कर लें कि आप वो पार्ट्स देख लें. चलिए अब स्टार्ट करेंगे. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइज, प्लीज़ अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं, वर्चुअल वॉइस से नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि अगर मेरा कभी भी वीडियो आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंचे. तो चलिए अब डिस्कस करते हैं हमारे पहले वर्ड के साथ में. फ्रेंड्स, हमारा आज का पहला सिनोनिम है एक्जोटिक. एक्जोटिक जिसका मतलब होता है अजीब या अनोखा. अब इसका सिनोनिम क्या होगा? इसका सिनोनिम होगा अनयूजुअल और वियर्ड. एक्जोटिक का सिनोनिम होगा अनयूजुअल या वियर्ड, मतलब अजीब या अनोखा. फ्रेंड्स, अब मूव करते हैं हमारे सेकंड वर्ड की तरफ. हमारा सेकंड वर्ड है डिक्रीज, जिसका हमें एंटोनिम पता लगाना है, जिसका विलोम शब्द हमें पता लगाना है. तो डिक्रीज का मतलब होता है कमी, कुछ कम, किसी चीज़ में कमी आना, वो होता है डिक्रीज. तो हमारा डिक्रीज का जो एंटोनिम होगा, मतलब विलोम शब्द होगा, उसका मीनिंग होगा, इसका एंटोनिम होगा इंक्रीज, मतलब बढ़ोतरी. या उसका एंटोनिम हो सकता है ग्रोथ, वो भी बढ़ोतरी होता है, बढ़ना, इंक्रीज बढ़ना, ग्रोथ. चलिए बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ, अगले वर्ड की तरफ, जो हमारा है एब्रोगेट, जिसका सिनोनिम हम पता लगाएंगे. एब्रोगेट का मतलब होता है अभिनिषेध करना, किसी चीज़ के लिए मना कर. तो एब्रोगेट के सिनोनिम्स क्या होंगे? अब हम किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं तो ऑफकोर्स हम उस चीज़ को कैंसिल कर रहे हैं, उस चीज़ को अंडू कर रहे हैं, और उस चीज़ को हम रिवोक कर रहे हैं. तो यही तीनों शब्द हैं, जो तीनों वर्ड्स हैं, वो एब्रोगेट के सिनोनिम्स होंगे. फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है अडेप्ट. अडेप्ट का एंटोनिम हम पता लगाएंगे. अडेप्ट का मीनिंग होता है निपुण या दक्ष, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा कौशल होना, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा निपुण होना, उसको हम अडेप्ट बोलते हैं. अडेप्ट का जो एंटोनिम होता है वो होता है लेज़ी या अनस्किल्ड. एक लेज़ी इंसान जो होता है वो किसी चीज़ में दक्ष नहीं होता, किसी चीज़ में निपुण नहीं होता, और एक अनस्किल्ड इंसान को किसी चीज़ में दक्ष होने के लिए बहुत चीज़ें सीखनी पड़ती है. तो अडेप्ट का जो है एंटोनिम होगा वो होगा लेज़ी और अनस्किल्ड. बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ वर्ड की तरफ. हमारा फिफ्थ वर्ड है डिसलाइन. डिसलाइन जिसका मीनिंग होता है कुछ चीज़ ख़राब होना, किसी कुछ चीज़ का पतन होना, या कुछ चीज़ का क्षय होना. धीरे धीरे ख़राब होती हैं चीज़ें, क्षय होती रहती हैं. तो उसका सिनोनिम हम पता लगाएंगे. उसका सिनोनिम होगा कोई चीज़ रिफ्यूज़ होना, ठीक है, किसी चीज़ को मना करना, या फिर हो सकता है ड्रॉप. ड्रॉप मतलब गिरना, या फिर कोई चीज़ क्षय होना, या हो सकता है इसका मीनिंग जो है सिनोनिम फॉल, मतलब गिरना. एंड या फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो, सिनोनिम और एंटोनिम के वर्ड्स पसंद आए हों. अगर पसंद आए हों तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना. सब्सक्राइब के साथ में जो बेल आइकन है, प्लीज़ उसे भी हिट कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें. और अगर आपको कुछ कमेंट करना हो, कुछ फीडबैक देनी हो, तो प्लीज़ कमेंट करना. एंड थैंक यू गाइज, कीप लर्निंग एंड बी हैप्पी ऑलवेज़.